नमस्कार। दरअसल हम आप सबके भाई गोलू यादव और स्वागत में हमारा गोलू न्यू ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग पिछला हमारे जोन भी लोग वीडियो दो अपलोड भैल है, तो वीडियो में खाली तुम लोगों नहीं देख रहे हो बाकी मिस्टर विष्णु राज कौन है तरीके से, यानी कि इसमें उनका कौन हालत चल रहा था। बाकी भाई लोग तुम लोगों ने बता दी बारिश बहुत तेज से होता और बारिश में अभी भी देख सकता था, मतलब बादल ही लगल हुआ चारों ओर से। लेकिन हम तुम लोगों के बता दी कि इसमें विष्णु भैया के हालत है, मतलब है बहुत है थोड़े कहानी उनका डिसबैलेंस हो गई है। और सुबह सुबह जैन में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें विष्णु भैया अपने घर पे गए थे, यानी कि अपने ससुराल में गए थे या ससुराल में या अपने जो भी समझ जाइए साड़ू सड़ुआन जो भी होता है, तो वहाँ विष्णु भैया ने गया, साथ में मालती चौहान से उनका कुछ झगड़ा हो गया। और जैसे कि मैंने वीडियो में साफ ही देखा कि विष्णु भैया के साथ है मालती जी ने कुछ ऐसा वहम किया जैसे कोई भी अपने पति के साथ वैसा नहीं कर सकता है। फिलहाल आप सबको बता दें कि ये सब देखने के बाद यार मुझे ऐसा लगा कि अरे यार इनको समझाना चाहिए, मालती चौहान जी को समझाना चाहिए कि आप अपने पति के साथ ऐसा वहम मत करिए। मैंने देखा यार मेरा दिल ही दहल गया। और एक बात और है, मैंने एक चीज़ और देखा कि विष्णु भैया का एक हाथ टूट गया। वो वीडियो जब मेरे स्क्रीन पे आया तो मेरी हालत एकदम से ख़राब हुई। मैंने सोचा यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर और आपने पूरी मतलब अपनी चीज़ों जो शेयर किए हैं मुझे बहुत ही बुरा लगा भाई लोग, क्योंकि यार वो इतने बड़े यूट्यूबर है, छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है जो आजकल हक के वायरल हुए। नहीं यार, अगर विष्णु भाई ने अगर मेहनत नहीं किया होता विष्णु भैया ने तो आज 5 मिलियन मतलब सब्सक्राइबर लाना हम बात नहीं है, 50,000 नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत किया है। तो बस मालती चौहान जी से मैं यही कहना चाहते हैं कि मालती चौहान जी ने जो भी कर रही हैं इसमें बहुत ही गलत कर रही हैं। और हम भी जानते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बस आप लोग यही दुआ करिए कि विष्णु भाई के साथ जो भी हुआ मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और उनके हाथ के मतलब उनका हाथ का जो दर्द है बहुत ही जल्द ठीक हो जाए। आप लोग भगवान से प्रॉमिस करिए, हम भी साथ में प्रॉमिस करते हैं। बाकी मालती चौहान ने सरासर गलती किया और उनको समझाने की ज़रूरत है, बट जब विष्णु भैया के मतलब विष्णु भैया समझा रहे हैं उनके बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आम जनता की बातों को फॉलो नहीं कर सकती हैं, हमको वो खूबी पता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, बाकी छोटी जानकारी थी, बारिश बहुत तेज़ी से लगा है, बारिश होने वाला है और देख सकते हैं मोबाइल साथ में ब्लूटूथ सब भीग जाएगा। छोटी जानकारी थी, आप सबको कैसा लगा प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सोचते होंगे कि सब लोग मज़ा ले रहे हैं बैठ के और विष्णु भैया का मतलब इस समय हालत ऐसी है, हम लोग बैठ के बस देख रहे होंगे, तो भाई आपका गलतफहमी है। बाकी वीडियो के यहीं एंड करते हैं और ये छोटी जानकारी थी, प्लीज़ इस वीडियो को विष्णु भैया के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लगे कि गोलू भाई हमारे साथ है। दुनिया आपके साथ रहे या ना रहे, कोई भी अच्छा काम करेगा मैं उनके साथ जीवन भर हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे YouTube चैनल पे वीडियो नहीं आएगा, भाई देश के किसी भी कोने में रहूँगा, हर डेली आपको ब्लॉग देने की कोशिश करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आप सबको डेली ब्लॉग दूंगा। और मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही काम है, मैं इस काम को करूँगा। बाकी आप लोग बताइएगा, चलिए चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से होने वाला है, हमको उतना दूर भी जाना है लगभग 1 किलोमीटर। तो बस छोटी जानकारी थी, बाकी भाई सपोर्ट में तो गोलू आप बकरे, लव यू।